आप यहाँ पर ना आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें शिफा मिलती है। हाँ जी हाँ जी, ये सुन्नत है, तो सुन्नत की वजह तो ना कलंदर पाक दा हैगा सुन्नत है। ये जो लोग जमीन पर बैठे हुए हैं मट्टी छान रहे हैं, क्या होता है? देखिए जी, हम तो इस पर यकीन नहीं रखते, लेकिन ये जो इन बुजुर्गान दीन ने हमें दरस दिया था कि नमाज पढ़नी चाहिए, वो हम पढ़ते नहीं है और ये जहलाना रस्म है जो इनके पीछे पड़ गए हैं। कमजोर है आपका ईमान, कमजोर है, आप झूठ बोल रहे हैं, हर चीज मिल रही है, आपका ईमान कमजोर है, आप झूठे हैं। लानत बेशुमार, लानत तेरे मुनकर पे बेशुमार, बकवास बंद कर कुत्तिया। ये है कैमरे से देख ले, ये है वो सबूत, इससे जिस बैंक के घर बच्चा नहीं होता वो खाती है। मेरा मौला कर्म करता है, मेरा अल्लाह ताला जाके दुआ करता है और बच्चा पैदा होता है। कि मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। हमारे 10 साल बच्चा नहीं हो रहा था भाई को, हमने ये मोती दी है, उसको 10 साल बाद अल्लाह ने बेटा दिया है। ए हन्नो है, इनसे बात करते हैं कि ये कौन सा पानी है और इस पानी से क्या होता है। ये आप पानी का कलर देख रहे हैं, नहा भी रहे हैं और यहाँ से लेके भी जाते हैं। ये जो आपने बोतल यहाँ भरा है पानी का, ये कौन सा पानी है? ये पाक ज्यादा पानी है, लोग धाते पे मुंह हाथ धोते बीमारी टलती है ना। पानी का कलर भी बिल्कुल मेला लग रहा है जी जी। क्या होता है इस पानी में? ना इसमें शिफा होती है, लेकिन ना पानी से तो बदबू आ रही है। नहीं कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होगा। क्या होता है फिर? सेहत ठीक हो जाती है। ऐसा क्या मुजजा है, कौन सा करामत है इस पानी में? इसमें लाल शहबाज कलंदर का है जो करामत है, इसमें सेहत ठीक हो जाती है। कलंदर शहबाज ने इस पानी में नहाया था जी सर। शफा का पानी एक जमजम का होता है, ये तो पानी बिल्कुल गंदा पानी दिखाई दे रहा है और बदबू भी आ रही है पानी से। आप यहाँ नहाते हैं और कहते हैं कि हमें शिफा मिल। ये क्या, ये मुंह नहीं है? नहीं, नहाते हैं मुंह में जाते हैं पानी, आंखों में जा रहा है, वजूद के अंदर ही जा रहा है ना पानी, और क्या हो रहा है? पानी से बदबू नहीं आ रही, नहीं आ रहे। ये जो आप देख रहे हैं ये स्टिंक बोतल नहीं बल्कि ये पानी की बोतल है। आप पानी का कलर देख रहे हैं, बिल्कुल काले रंग का पानी है। यहाँ से इसने पानी भरा है, इनसे पूछते हैं इस पानी में कौन सी शिफा रखी हुई है? ये मालिक दित्ती शिफा सरकार कलंदर पाक को। देखे ना, शिफा वाला पानी सिर्फ जमजम ही होता है। इस पानी का रंग भी काला है, ये देखें इस पानी में कीड़े भी दिखाई दे रहे हैं। सारा कुछ सरकार नंदे से साडा किदा है कि इत्थे शिफा है। आपको किसने कहा है ये बात के सरकार ने इधर गुसल किया था? सारे दुनिया कहती थी ऐसी केड़ा उदो वजूद था। माशाल्लाह सुन्नत भी है आपको, आप नमाज भी पढ़ते होंगे, तो कुरान भी आपने पढ़ा होगा, तो उसमें लिखा होगा कि शिफा और औलाद देना तो अल्लाह के ही हाथ में। फिर ये मोती जो ढूंढ रहे हैं, ये जो मोती ढूंढ रहे हैं ना, अल्लाह ताला ने ये भी कहा है ना, जो कैदत मंद है ना वो इधर दरबार पे आते हैं, ठीक है ना, ये अल्लाह के वली है। कहाँ से आप आए? मैं लाहौर के पास है, पंजाब के अंदर शेखुपुरा, वहाँ से आया हूँ। तो ये जो लोग जमीन पर ढूंढ रहे हैं क्या चीज ढूंढ रहे हैं? ये मोती ढूंढ रहे हैं। क्या होता है मोती मिलने से? मोती मिलने से शिफा मिलती है। देखो कितनी बड़ी कहानी है। ये बात आपको किसने बताया? ये हमें खुद ही पता ए, हन्नो है। और सरकार ने, हमने सुना है कि सरकार ने यहाँ पे गुसल किया था, तो वो पानी के जो छटे थे उसे मोती बनते हैं। इस औरत को बच्ची बच्चा नहीं ना होता, वो यहाँ पे आके मोती ढूंढते हैं और उनको अल्लाह पाक रहमत कर देता है। ये सरकार के हैं मोती। देखे ना, औलाद देना, बे औलादी को औलाद देना, शिफा देना, ये तो एक अल्लाह के हाथ में। ये भी अल्लाह पाक ने वसीले बनाए हुए हैं, ये अल्लाह पाक के वसीले बने हुए हैं जो इन चीजों से शिफा मिलती है। अगर अल्लाह ने खुद ही देना होता तो वो खुद यहाँ पे आ जाता ना। क्या ढूंढ रहे हैं आप? मोती। क्या होता है मोती मिलने से? अल्लाह पाक दी बारगाह में दुआ, सरकार दी जुल्फा हैं छंडिया ना के दे औलाद देसी उना दे सिरके। यहाँ से आई हैं आप? दारा आले हो। ये जो लोग जमीन पर बैठे हुए हैं कुछ ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं?
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਦੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਕਿਰਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੋਤੀ ਬਣ ਗਏ ਤੋ ਫਿਰ ਇਹ ਮੋਤੀ ਮਿਲਨੇ ਸੇ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ ਆ ਕੌਣ ਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਖਾਈਏ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ ਆ ਨਾ 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 ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਪ ਆਏ ਪੁਰਾਣਾ ਖਨੇਵਾਲ ਸੇ तो ये जो लोग जमीन पर बैठे हुए हैं मट्टी छान रहे हैं क्या होता है यहाँ से मोती निकलते हैं जिसको औलाद ना हो रही हो उसकी मन्नत पूरी होती है और बीमारी का कोई फायदा होता है इसका जोड़ों में दर्द होता है वो खत्म हो जाता है त्रिकिल में होता है वो भी खत्म हो जाता है इसके बड़े फायदे हैं कहानियां कौन सा फायदा आपको यहाँ से मिला है मोती में यहाँ से मिला है जिस हमारे 10 साल बच्चा नहीं हो रहा था भाई को हमने ये मोती दी है उसको 10 साल बाद अल्लाह ने बेटा दिया है कहानी बाजो